हेलो, आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे अब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बारे में बात करना है। हमने अपने पहले के वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हेडिंग से एक वीडियो प्रकाशित किया है, जिसमें इथेनॉल का डिहाइड्रेशन के बारे में बताया गया है। अब यहां पर आप देखिए, हमने लिखा है अल्कोहल्स। फर्क है, अल्कोहल जब हम लिखते हैं तो प्रायः ये तात्पर्य इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल से होता है, किंतु जब हम अल्कोहल्स लिखते हैं तो इसका तात्पर्य सारे अल्कोहल OH ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करता है, प्रधानता देते हुए जो यौगिक बनते हैं उनको हम अल्कोहल्स बोलते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, बुटेनॉल एक्सेट्रा, पेंटेनॉल एक्सेट्रा। अब आज का विषय है प्रोडक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ बुटेनॉल। बुटेनॉल को बुटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। बुटेनॉल को जब डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको अब आज सीखना और समझना है। थोड़ा सा फर्क है इथेनॉल और बुटेनॉल में। बुटेनॉल के आइसोमर्स भी होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स संभव हैं डिहाइड्रेशन में। और जैसा कि हमको मालूम है, डिहाइड्रेशन का तात्पर्य होता है OH ग्रुप का अलग करते हुए और OH ग्रुप से संलग्नित जो कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को मिलाकर जल के रूप में H2O के रूप में वाटर को मॉलिक्यूल से अलग कर दें तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ बुटेन टू ऑल देर आर टू पॉसिबिलिटीज। बुटेन टू ऑल देखिए, जिसको हम बोलते हैं आइसोबुटाइल अल्कोहल आल्सो, इसमें देखिए दूसरे कार्बन एटम से OH समूह लगा हुआ है, तो और इस दूसरे कार्बन एटम से जिससे कि OH समूह लगा हुआ है उसके पास में बाई तरफ CH3 ग्रुप है और दाहिनी तरफ CH2 ग्रुप है, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा और अल्फा डैश। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन एटम होता है तो एक को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम, दूसरे को अल्फा डैश कार्बन एटम। अब हाइड्रोजन एटम जो कि इस अल्कोहलिक समूह से या हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करेगा, वो या तो इससे एक हाइड्रोजन एटम ले लेगा, वन ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स देखिए यहां पर दर्शाया गया है, या वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस CH2 अल्फा डैश से। तो दोनों केस में वाटर तो बनेगा, लेकिन क्या पदार्थ भी वही रहेगा? नहीं, पदार्थ जो हमको प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन से मिलेगा अल्कीन तो है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अल्कीन हैं। एक में ये संरचना है जिसको हम बोलते हैं 1-butene और दूसरे में है 2-butene। अब आप देखिए, 1-butene कम मात्रा में प्राप्त होता है, 2-butene अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो 2-butene को हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट और 1-butene को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। अब ये दो प्रकार के क्यों बनते हैं, इसका कारण हम आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक नियम है जिसको बोलते हैं जेट्सव रूल या सेट जेट्स रूल, उसके अनुसार बनता है। आगे अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो अधिक मात्रा में बनता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। उसका कारण ये है कि ये 2° कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है, उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आगे से बनता है। जल का अणु निकल गया 2° कार्बोकैटायन के बनने से, ये अल्कोहल ये अल्कीन बनता है, इसको हम 2-butene कहते हैं। 1-butene भी बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है, सो दैट्स देयर। और ये H+ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कहां से प्राप्त हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड के से प्राप्त होता है,
और ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके जल का अणु अलग कर देता है। अब आप देखिए कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल, वन बुटेनॉल में जैसा कि हमने बताया है वन बुटीन और टू बुटीन दोनों बनेगा, लेकिन एक माइनर प्रोडक्ट है जो लगभग 20% बनता है और दूसरा मेजर प्रोडक्ट है। और ये जो वन बुटेनॉल है, ये वन बुटेनॉल है, इसमें पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। यह हाइड्रोजन आयन सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग रिएक्ट प्रोवाइड्स ए H+ ए प्रोटॉन एंड दैट रिएक्ट विद द हियर ए कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड दिस कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज लेस स्टेबल, कम स्थायी है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है जो ये पॉजिटिव है कार्बन कार्बोकैटायन है, नेचुरली C इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट ओवर द वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्लोज टू इट। इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है उसको वो खींचने का आकर्षित कर रहा है और ये जिसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। सो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के कारण ये बॉन्ड टूट जाता है एंड यू गेट 2 डिग्री कार्बोकैटायन हियर, ये CH2 का CH3 हो गया और ये बीच का कार्बन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, therefore you get a product 2-butene. Similarly, here as you find, we need to understand, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये दो products बनते हैं, 2-butene ज़्यादा बनता है, 1-butene कम बनता है, क्यों बनता है इसका possibility हमने पहले ही पढ़ लिया है और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये दोनों जो हैं 1-butenol एंड 2-butenol दोनों एक ही कार्बोकैटायन बनता है। 1-butenol में भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन आयन तो बना लेकिन वो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से 2 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो जाता है, तो देयरफॉर दैट इज मोर स्टेबल। एंड सेट्ज़ेफ ने एक नियम बताया है कि वह अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप्स लगे हों तो वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। सेट्ज़ेफ रूल आल्सो टर्म एज ज़ेट्ज़ेफ रूल टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ Here, according to Sedzef's rule, इसके अनुसार क्या होता है? A more substituted, highly substituted product is formed to a greater extent. It may be an elimination reaction or the dehydration reaction, and you get a product that way. Okay, so अब इस तरह से हमने कुछ butanol के बारे में, उसके dehydration के बारे में, सेट्ज़ेफ रूल के बारे में हमने कुछ बातें सीख ली हैं। कृपया ध्यान दें ये सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है बहुत जरूरी है और किस प्रकार से क्यों दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें कोई अब संदेह नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई एक्सपेक्ट योर रिस्पॉन्स कमेंट्स एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब to my video. Thank you very much.